कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री योगी की बैठक जारी है। यूपी के बड़े जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा हो रही है। कोविड मैनेजमेंट को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री योगी निर्देश देने वाले हैं। वीकेंड में लॉकडाउन पर जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी निर्देशित करेंगे मुखिया योगी आदित्यनाथ। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह के साथ ही एसीएस स्वास्थ्य, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं इस बैठक में। कई जिलों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग हैं, एक्टिव हैं और मौजूदा वक्त में एक बैठक चल रही है। यूपी के बड़े जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा, किस तरीके से कोरोना कंट्रोल में लाया जाए, कोविड मैनेजमेंट को लेकर बैठक में सीएम योगी चर्चा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है निर्देश देंगे। वीकेंड में लॉकडाउन पर जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी स्थिति को साफ करेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे। आपको बता दें कि शनिवार रविवार लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद हैं। नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। नरेंद्र, समझना चाहेंगे आपसे, ये बैठक कब से चल रही है और कब ये बैठक खत्म होगी? इस बैठक में कौन कौन है और कोरोना के अलावा क्या कोई दूसरा मुद्दा भी है? योगी आदित्यनाथ के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या है कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकना और जो बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं उनको इलाज करके ठीक करने के बाद घर भेजना। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ अपने 5KD आवास पर बैठक कर रहे हैं जिसमें उनके साथ सभी बड़े अधिकारी हैं, उनके मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी भी हैं और एडीजी भी हैं। तमाम महत्वपूर्ण अधिकारी प्रदेश स्तर के उनके साथ बैठक में हैं। ये बैठक कोरोना को लेकर हो रही है, इसमें जो शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा है, ये 55 घंटे का लॉकडाउन होगा, इसमें किस तरीके से रणनीति बनाकर सैनिटाइजेशन करना है और सफाई अभियान चलाना है और किस तरीके से अस्पतालों की संख्या बढ़ानी है। अब सरकार को बेडों की संख्या बढ़ानी है और वेंटिलेटर की संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वेंटिलेटर की संख्या ये मरीजों के जान बचाने के लिए जरूरी होती है। सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि बैठक के बाद क्या कुछ गाइडलाइन के साथ क्या आदेश आता है, क्या निर्देश आता है, ये जारी होता है। अब देख हालांकि आज रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा जो लगातार सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। जी, वीकेंड पर लॉकडाउन पर जिलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा होने वाली है। जाहिर सी बात है इसमें चुनौती होगी कि किस तरीके से इस लॉकडाउन को पूर्ण रूप से रोका जाए, लोगों को घर से बाहर निकलने में और सैनिटाइजेशन का काम हो प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल, विशेष सचिव स्तर के अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं कोरोना के, जो हर जिलों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जिला अधिकारी, सीएमओ और सीएमएफ भी जुड़े हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो साफ सफाई से संबंधित नगर विकास विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है और जिलाधिकारी है, ये सारी से लगातार काम कर रही हैं और जो रिपोर्टें आई थी वो बड़ी ही पॉजिटिव आई थी। इस कार्य को सराहा गया था कि जो लॉकडाउन पिछला 55 घंटे का किया गया है साफ सफाई के मामले में सफल रहा। इसी को देखते हुए अगले इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक अहम बैठक जो है 5KD पर चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। हम नजर बनाए रखिएगा, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे।